दोनों फिल्टर आपको 2-3 दिन में साफ़ करना है। जितना मशीन साफ़ सफाई रहेगा उतना मशीन का लाइफ अच्छा रहता है। ये फिल्टर में धागा वगैरह जो भी रहेगा हमको उसको क्लीन करना है। क्लीन करके वापस जो है इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। सेम ऐसा इसके अपोजिट साइड में भी लगा है, दोनों क्लीन करना है। ठीक है, सबसे पहले डिटर्जेंट डालना है यहाँ पे। यहाँ पे डाल सकते हैं आप, डायरेक्ट ड्रम में भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डालने पे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कपड़े में थोड़ा डिटर्जेंट दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट ड्रम में डालना है फिर। ठीक है, पहले डिटर्जेंट फिर कपड़ा। अगर मान लो दाग आ रहा है डिटर्जेंट का तो ठीक है, कपड़े के ऊपर डिटर्जेंट नहीं डालना है। उसके बाद डोर बंद करना है आपको। ठीक है, 8.2 kg की मशीन है। डिटर्जेंट कपड़ा डालने के बाद पावर ऑन करना है। जब हम पावर ऑन करते हैं ज़्यादातर घर का मिक्स कपड़ा धोते हैं। ठीक है, तो मिक्स कपड़ा हमारा नॉर्मल पर ज़्यादातर धोते हैं, इसमें नॉर्मल दिया है डेली बेसिस कपड़े के लिए। ठीक है, तो जैसे हम पावर ऑन करेंगे मशीन नॉर्मल पे सेट रहता है, सिर्फ आपको स्टार्ट करना रहेगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कपड़े का वेट चेक करेगा पहले मशीन, उसके हिसाब से वाटर लेवल सेट हो जाएगा, उसके बाद टाइम जो भी रहता है यहाँ पर कपड़े के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इतने टाइम में 53 मिनट आया है। 53 मिनट में वॉश रिंस स्पिन होकर मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया डेली बेसिस के लिए। उसके बाद ये प्रोग्राम को क्लिक करेंगे शर्ट पे आ जाएगा। ओनली शर्ट है तो आप शर्ट मतलब डाल के मशीन को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ओनली स्पिन है, सिर्फ कपड़ा ड्राई करना है तो ड्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद डेलिकेट है, जो कपड़ा कमज़ोर है साड़ी वगैरह है, लेकिन डायमंड वाला साड़ी नहीं धो सकते हैं क्योंकि वो टूटेगा तो मशीन में फंसेगा। उसके बाद क्विक है, जल्दी धोना है। मान लो घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो दिन का 10-12 कपड़ा निकल जाता है, तो कपड़ा गंदा नहीं रहता है ज़्यादा, तो आप क्विक में जल्दी धो सकते हैं। ठीक, कि यहाँ वाला ये जो प्रोग्राम दिया है ना ये चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करेंगे P1 P2। P1 पे हैवी है, P2 पे स्पोर्ट है, मतलब हैवी मतलब जैसे गोदड़ी वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह है। P2 हमारा स्पोर्ट वेयर कपड़े है, P3 है इको वाश, इकोनॉमी मोड है, मतलब जैसे कम टाइम में अच्छा धुलाई होता है इसमें P3 में। उसके बाद P4 है, सिल्क कपड़ा है। उसके बाद P5 सोक है, बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा रहेगा, आपको कुछ देर भिगो के रखना है फिर चालू करना है, तो आपको बाहर भिगोने की ज़रूरत नहीं, P5 पे लाके स्टार्ट करना है। उसके बाद है ये जैसे जर्म का, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में हम काम करते हैं वो सब कपड़े है, या कोई ज़्यादा गंदा है तो उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद लगे हुए कपड़े धो के आते हैं, बहुत ज़्यादा दाग रहेगा तो नहीं, रेगुलर बेस जो हम कपड़ा पहनते हैं सर। टॉप लोडिंग में कैसा होता है, ज़्यादातर लोग टॉप लोडिंग इसलिए चूज़ करते हैं, ऑफिस का काम रहता है या हम जो भी काम करते हैं तो उसमें नॉर्मल जो गंदा रहता है उतना साफ हो जाए डेली। ठीक है, सेंथनिक बेयर कपड़े हैं। उसके बाद रिंस एंड स्पिन, रिंस प्लस स्पिन है, मतलब आपने कपड़ा बाहर भिगो के रखा हुआ था सर्फ में, सिर्फ उसको खंगालना है और ड्राई करना है, तो ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद एयर ड्राई है लास्ट में। एयर ड्राई कैसा है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक मशीन जो है सिर्फ ड्राई मोड में चलता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी ब्लैंकेट हमने धोया तो ब्लैंकेट में जो स्पिन का टाइम होता है प्रोग्राम का, जैसे हैवी पे डालेंगे 10 से 12 मिनट का टाइम रहता है, तो 10 से 12 मिनट में बारिश के समय में वो ब्लैंकेट हमारा जो है ना 10-12 मिनट में पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, तो आप एयर ड्राई लगा सकते हैं। उसमें जो है 1 घंटे तक, आप मान लो 30 मिनट तक ड्राई किए, मशीन ऑफ करके निकाल सकते हैं, तो जल्दी ड्राई हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा आपका ब्लैंकेट। सैनिटाइज का क्या है, ये दिया है ना यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो उसमें मतलब फीचर्स कुछ रहेगा। फीचर्स इसमें जैसे हम डेली बेसिस जैसे क्लिनिक में काम करते हैं वो सब हाँ। कपड़े हैं तो वो सब कपड़ा हम इसमें धो सकते हैं, तो गर्म होके मतलब हो जाएगा ऐसा, गर्म हाँ। गर्म होके पानी हाँ, गर्म होके। और ये सारे प्रोग्राम में ना अभी मैं टेम्परेचर सेट करना आपको हाँ, दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे, ठीक है अभी देखो हम यहाँ पे गए कौन से प्रोग्राम में, P3 पे हमने टेम्परेचर जिस पे सेट होना है आप जब क्लिक करेंगे उस पे ही सेट होगा टेम्परेचर, सारे कपड़े पे नहीं होगा। जैसे अभी हम P4 पे गए नहीं हो रहा है, P5 पे गए नहीं हो रहा है, देखो अभी इस पे हो रहा है, नहीं सॉरी इस पे नहीं हो रहा है, इस पे हो रहा है। P7 हमारा क्या है, बेबी केयर के कपड़े हैं। P8 P9 P1 पे हैवी कपड़े पे हो रहा है। ठीक है, तो जिस पे सेट होना है उस पे ये
कम करेगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी कपड़े भी इस पर तो नहीं लगेगा, यहाँ पर ही जब हम P1 से स्टार्ट करते हैं तो इस पर जैसे भी हैवी कपड़ा है तो टेम्परेचर की बटन से वो सेलेक्ट किए, एक बार क्लिक करेंगे वार्म पे आ गया, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। P2 पे नहीं होगा क्या? ट्राई करो। एक मिनट, P2 पे क्यों? P2 पर भी हो रहा है, सब पे होना चाहिए फिर ऐसे? नहीं नहीं, सब वो कंपनी का इनबिल्ड है, किसी किस पे होगा किस किस पे नहीं होगा सबके, क्योंकि हर मशीन में ऐसा नहीं कि आपका ही पहला, मैंने 2-3 डेमो दिया है मशीन का, उस पे जिस पे होना है ऑटोमेटिक ही हो रहा है, इस पे नहीं होगा। P3 हमारा क्या है यहाँ पे? इको है, इस पे तो नहीं होगा। सिल्क में भी नहीं होगा। P4 सिल्क है, नहीं होगा। 5 पे भी नहीं होगा। P6 पे होना चाहिए। नहीं, इस पे नहीं होगा। P7 पे होगा, सिंथेटिक वेयर कपड़े पे नहीं होगा। नॉर्मली क्या है, जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे वाटर लेवल दिया है, वॉश टाइम दिया है, रिंस टाइम दिया है, स्पिन टाइम दिया है, डिले दिया है। अब हमको यहाँ से एडिट क्या करना है, जैसे मान लो हम पहले वाटर लेवल पर सेलेक्ट, जैसे हमको वाटर लेवल एडिट करना है तो इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे लाइट है, इसे DIY का बटन, ज्यादा पानी चाहिए तो आपको ऐसा हाँ, करना है। एक्चुअली मैं आपका कपड़े के हिसाब से मशीन पानी बराबर लेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इन फ्यूचर मान लो आपको पता नहीं है तो जान सकते हैं। उसके बाद है वॉश टाइम को एडिट, टाइम नहीं आता है, मल्टीपल होता है, मतलब एक बार रिंस करेंगे दो बार, मतलब जो पानी में खंगालता है कपड़ा वो टाइम, मतलब 1 टाइम 2 टाइम ऐसा रहता है, कोई भी मशीन रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्पिन टाइम आएगा, इसको बढ़ा सकते हैं। डिले, डिले मीन्स होता है जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं 9 बजे और घर में पानी आता है 12 बजे, घर पे कोई नहीं है, 9 से 3 12, तो हमारा जो है 3 घंटे, मतलब 12 बजे कोई घर पे नहीं है, तो हम डिटर्जेंट कपड़ा डालेंगे और इसको डिले पे लाएंगे, 3 आवर्स पर सेलेक्ट करके स्टार्ट कर देंगे, इतने घंटे बाद आप घर पे नहीं रहेंगे तो भी मशीन चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम। चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन है, दोनों बटन साथ में प्रेस करके रखना है, सॉरी चाइल्ड लॉक होगा, और टब क्लीन का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, दोनों वापस हमको इसको साथ में प्रेस करके रखना है, अनलॉक हो जाएगा। करना है तो आपका स्पिन है ये, ठीक है, ये आपका बोरिंग का पानी है तो इतने में टब क्लीन करना है, मीठा पानी है तो 6-8 महीने में एक बार क्लीन करेंगे, वो कैसा मशीन में मेंटेनेंस नहीं आएगा जल्दी अगर क्लीन करेंगे, ठीक है। बाहर भी पाउडर मिलता है, कोई भी ऑनलाइन भी मिलता है क्लीनिंग का, उससे आप मशीन क्लीन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को।